Yeah.
there is it and itself that called pronoun because it is replacing the verb, the noun cuckoo. Okay? Then comes at it. And what is the verb of adjective? Adjective adds something to the noun. When it modifies a noun, when it adds something to the noun, it calls adjective. So what, which word in this sentence define, modify or add something to the noun? Find out. The verb clever is adding something more to the verb noun, that is cuckoo. And then we can say that this verb is modifying or adding more to this verb. So it is adjective. Thank you.
अभी जो जैसे लोअर क्लास है उसमें एनसीईआरटी चलाते हैं कि क्या चलाते हैं? है सॉइल का। इसमें क्या है कि हम लोग पहले जो है दो बेसिक जो है फॉर्म में सॉइल को क्लासिफाई कर देते थे कि सॉइल फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है। तो जो फर्टाइल है वो उर्वर है और जो नॉन फर्टाइल है वो ऊसर कैटेगरी में आती है। तो इन इंडिया सॉइल हैज बीन क्लासिफाइड फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड इटसेल्फ इवन थ्रू इट वॉज नॉट एज डिटेल्ड एज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ दो बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया पूरे इंडिया भर में सॉइल। लेकिन अब हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, अब हम उसके टेक्सचर, टोन, उसमें सैंड सिल्ट क्ले का कॉम्बिनेशन कितना है, ह्यूमस का कंटेंट कितना है, किस तरह के मटेरियल से वो डेवलप हुई है, उसके आधार पर हम फाइव क्लासिफिकेशन में सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन बेसिकली शुरुआत में या पुराने समय में सिर्फ इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग दो कैटेगरी में ही सॉइल्स को क्लासिफाई करते थे। देखो जैसे लिखा है उर्वरा मीन्स फर्टाइल एंड ऊसरा मीन्स नॉन फर्टाइल, वो सलाइन हो गई है सॉइल। अब सॉइल क्लासिफिकेशन एजेंसीज इन्वॉल्व, अब इसमें जो है क्लासिफिकेशन करने वाली आज के समय में एजेंसीज हैं। किस तरीके से क्लासिफाई किया है इन द मॉडर्न पीरियड व्हेन मेन स्टार्टेड टू नो अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस
he was talking about the passing away of a culture and how it is giving way to the new tendency. And he even says that how thoughtless it had been, that the maid had been very cruelly cut out. She is hurt, and this also tells us that she is hurt by the passing away of an old glorious culture which she holds in her impressions, the impressions that she has from the culture. Thank you, ma'am. When we face some incident, this incident have left their consequences over mind, and that's disorders is called post-traumatic stress disorder. And there are several type of reaction, immediate reactions, social reaction. हम कई बार ये होता है कि हम लोग अपने आप से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सेल्फ स्टीम होता है हम लोग वो सब इसमें लॉस्ट कर जाते हैं और हम लोग को एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक न्यू स्ट्रगल फेस करना पड़ता है बेस्ट सोल्यूशन इज द फैमिली सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड अ फैमिली सपोर्ट एंड देन वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस वेरी नाइस Thank you.
Thank you.